नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहली बात कर लेते हैं भोपाल की। दरअसल हम आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और सुरक्षा बल ने इस समय जो स्थिति है वो संभाली है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। शाम 6 बजे तक का इसका समय था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में स्थिति ऐसी देखने को मिली, तो कहीं झड़प देखने को मिली, तो कहीं मारपीट की वीडियो भी सामने आई। हम आपको बता दें कि भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि आनंद नगर गोविंदपुरा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हो गया था, और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि पोलिंग बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता अजय साहू जो है वो चोटिल हो गए। उनके हाथ में गंभीर चोट आई, और हम आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा बल जो था वो वहाँ पर मौजूद था, पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने स्थिति को संभाला और दोनों ही कार्यकर्ताओं को अलग किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं मुरैना की, जहाँ पर बीजेपी और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा के मिर्घान गांव में जबरिया बीजेपी के पक्ष में जो मतदान है वो करवाने और मारपीट के को लेकर मतदाता यहां पर आक्रोशित नजर आए। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है जबरदस्ती उनसे अपने पक्ष में वोट करवा रहे थे, और इसी को लेकर जो है मतदाता आक्रोशित हो उठे और उन्होंने यहाँ पर थाने का घेराव कर दिया। घेराव में बड़ी संख्या में महिला और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। बता दें कि भारी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारी भी यहाँ पर तैनात थे, उन्होंने स्थिति को काबू में किया। बता दें कि बड़ापुर गांव की महिला और पुरुष मतदाताओं ने समाज विशेष के लोगों पर बीजेपी के पक्ष में जबरदस्ती वोट करवाने और मारपीट का आरोप लगाया है। पोलिंग बूथ 191 पर वोट न कर पाने के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है थाने पर पहुंच गए थे, उन्होंने घेराव किया। बता दें कि यहां पर बीजेपी और बीएसपी के समर्थकों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक बात कर लेते हैं वायरल वीडियो की। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मंत्री विश्वास सारंग ने एक युवक पर हाथ उठाया है, और बता दें कि यहाँ पर हाथापाई की स्थिति भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहाँ 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा था, एक साथ मतदान हो रहा था, सुबह 7 बजे से यह मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्र पहुँचे थे, और इसी बीच दूसरी जगह से ये खबर आई है कि मारपीट और बवाल के कई मामले सामने आए, और इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंत्री विश्वास सारंग भी नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐशबाग के मतदान केंद्र पर मंत्री विश्वास सारंग की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बहस हो गई थी, जिसके बाद वह एक युवक को हाथ मारते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग के युवक को हाथ मारने के बाद उनके समर्थकों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला की कार्यकर्ता से मारपीट को लेकर पुलिस से बहस हुई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मंत्री विश्वास सारंग जो है नरेला विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, और हालांकि यह पूरा मामला क्या है अब इस पर किसी तरह का कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आ पाया है, और अभी तक वीडियो की जो पुष्टि है वो भी नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहाँ पर विधानसभा में फर्जी मतदान करवाने का आरोप अब लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के कुछ विधानसभा सीटों पर हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई, तो वहीं कुछ जगहों को छोड़कर बाकी विधानसभाओं में शांतिपूर्ण मतदान हो सका, और इसी बीच जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम बाहुल्य लाल चांदनी चौक में फर्जी मतदान करने का आरोप लगा दिया। दरअसल यह मामला उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ वोट डालने के लिए अंतिम 10 मिनट बचे हुए थे, और इसी बीच मुस्लिम बाहुल्य लाल चांदनी चौक में फर्जी मतदान करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। वहीं मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस उम्मीदवार विनय सक्सेना के समर्थक एकत्रित हो गए, और इस बात को लेकर वहां पर जमकर विवाद करने लगे। माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग कर दिया और यहाँ से खदेड़ दिया। जाते जाते बात करते हैं इंदौर की, जहां पर अब इंदौर ने बनाया है वोटिंग में भी नया रिकॉर्ड, और बम्पर वोटिंग के कारण इंदौर में 72.5% से ज़्यादा यहां पर वोट डाले गए हैं। 6 बजने के पहले जितने भी लोग बचे हुए थे उनको टोकन दिया गया और उनसे वोट डलवाया गया। सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है विधानसभा 1, 2,
4 और दीपालपुर में हुई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन व दिव्यांगजनों ने भी अपने जो मताधिकार का प्रयोग है वो किया है। हम आपको बता दें कि अब जो है 16 दिन के लिए प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी नहीं यह पता चलेगा आपको 3 दिसंबर के दिन। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।